Please introduce yourself. A very happy evening, sir. This is Ram Narasingh Yadav. I am basically from Gazipur, Uttar Pradesh, but currently my family lives in Sarnath, Varanasi. I have done my schooling class 10th and 12th from Gazipur, UP board. After that, I completed my B.Tech with Mechanical Engineering stream in 2014. And after that, I completed my DPEd from J. S. University in 2020. My interest in living fit, badminton and yoga. And I'm a very optimistic person and strongly believe in law of karma. I have 6-year experience in teaching and administration. Apart from this, I am also a team member of discipline committee and anti-ragging committee. Thank you, sir. Ram Manohar ji. Yes, sir. You have experience of 6 years of teaching. Yes, sir. As a sports teacher or something else? No, sir. I am mechanical assistant professor in mechanical engineering department. Okay. Just after completion of B.Tech, you went for job. Yes, sir. Then why you had come for BPEd again when you are working, sir, as assistant professor there? Yes, sir. Sir, I am at present time assistant professor in JS University. Sir, मैं जब JS University में ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर और यहाँ कल्चर और इन्वायरमेंट को देख करके मुझे हेल्थ एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आया और मैं अपने करियर को हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट में मोल्ड किया और मैंने बीपीएड किया। सर, क्या गेम था आपका? सर, बैडमिंटन। सर, कहाँ तक खेला है आपने बैडमिंटन? सर, इन यूनिवर्सिटी लेवल ओनली। यूनिवर्सिटी लेवल। एंटी रैगिंग टीम्स के मेंबर थे, आपने अपनी मेंशन किया इंट्रोडक्शन में। यस सर, यस सर। अगर आपके पास कोई बच्चे स्कूल में कंप्लेंट लेके आता है, यस सर, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, यस सर, आप क्या एक्शन लेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज करना होगा कि जो इनडिसिप्लिन है किस लेवल तक हुआ है सर, और सबसे पहले हम लोग अपने प्रिंसिपल सर को हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। जितने बच्चे होते हैं जो इनडिसिप्लिन किया है और जिसके साथ हुआ है, दोनों स्टूडेंट को रिटेन में हम लोग लेते हैं कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। सर, इस पे करके उस स्टूडेंट पे एक्शन लिया जाता है। सर, किस टाइप का एक्शन लेंगे आप? सर, अकॉर्डिंग टू इनडिसिप्लिन उसने उस बच्चे के साथ क्या बिहेवियर किया है। सर, अगर बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होता है तो उसे सस्पेंड किया जाता है। सर, कॉलेज से सस्पेंड कुछ दिनों के लिए किया जाता है या उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। सर, उसके पेरेंट को सारा कंप्लेन किया जाता है। ओके, इट इज फाइन कि आप सस्पेंड किया जाता है इन कॉलेज। यस सर। बट आप स्कूल में क्या करेंगे, उनको सस्पेंड कर देंगे? नहीं सर, स्कूल में क्या है कि वो अनमेच्योर स्टूडेंट होते हैं। सर, उनके पास ज्यादा मेच्योरिटी नहीं होती है, इसलिए उन स्टूडेंट को हमें समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, क्योंकि उनके पास इस चीज की समझ नहीं होती है। सर, इसके लिए हमें एक पेरेंट के तरह रख के बच्चों को सोचना चाहिए और कुछ ज्यादा अगर उसकी मिस्टेक कुछ ब्लंडर है सर तो उसके पेरेंट्स को इसमें मस्ट भी इंक्लूड करना चाहिए। सर, 6 इयर्स ऑफ टीचिंग में आपने कभी किसी चीज का प्रोक्यूरमेंट किया है? सर, मैं क्वेश्चन पे एक बार और सुनना चाहूंगा। सर, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस के दौरान, यस सर, आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चीज का परचेज किया है आपने? परचेज इट मींस स्पोर्ट्स फील्ड। आपने स्पोर्ट्स फील्ड में जॉब ही नहीं किया है, आपने जॉब किया है इंजीनियरिंग। यस सर। उससे कोई मैटर नहीं है। आपने परचेज प्रोसेस को फॉलो किया है? कभी भी आपको ऐसा मौका मिला जिसमें आपको परचेज करना पड़ा कोई भी सामान? नो सर। अगर आपको स्कूल में परचेज करने दिया जाए, व्हाट विल बी द परचेज प्रोसेस? आपको क्या पता है उसका? सामान सबसे पहले सर होता है। सबसे पहले सर हमें बजट जाननी पड़ेगी कि बजट क्या है। सर, बजट के पास वो जो भी हमारी नीडी थिंग है उसका एक हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा क्या क्या चीज हमें परचेज करना है। सर, और उसका सर एक जो दुकान है या वहाँ शॉप पे जो मिनिमम रेट पे उसे हम परचेज करेंगे और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सर, किस टाइप का चैलेंजेस आपने फेस किया कॉलेज के टीचिंग में? सर, स्टार्टिंग डेज में जो नोटी बॉय होते थे, क्लास में डिस्टरबेंस करते थे, हमेशा बात करते थे, तो उसके उन लोगों को क्या हुआ कि धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो उनका सीटिंग अरेंजमेंट चेंज किया जाने लगा। जो बच्चा फिर नहीं मानता है तो उसको अपने पोडियम पे बुलाया जाता है। पोडियम बुला करके कहते हैं, भाई आप जो बात वहां कर रहे थे यहाँ से आप बात करिए। इससे क्या होता है कि बच्चा वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट करना बंद कर देता है। ऐसा ऐसे अगर और कुछ ज्यादा एक्सीड करता है तो उसे ऑफिस में बुला करके उसे समझाया जाता है कि दिस इज नॉट राइट, आपको पढ़ना चाहिए। तो ये जो आपका चैलेंजेस है और आपने जैसे भी इसको ओवरकम किया है, इज इट एप्लीकेबल फॉर स्कूल? क्या आप उसको स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं? यस सर, स्कूल में हम अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। सर, जो भी स्टूडेंट है स्कूल में, जो स्टूडेंट है बात तो करेंगे क्योंकि उनका बात करना एक नेचर होता है, छोटे बच्चे होते हैं। सर, तो उन छोटे बच्चों को हम समझाएंगे कि बेटा आप क्लासरूम में बात मत करिए, जिस चीज का अगर गेम पीरियड है तो आप बात मत करिए, गेम पीरियड में खेलिए, क्योंकि खेलने से आपकी फिटनेस बढ़ेगी। और उन्हें मैं प्रोवाइड कराऊंगा ताकि वो हमारे तरफ अट्रैक्ट हो, जो मैं बताना चाहता हूँ उसे समझे और सीखें। सर वो बैडमिंटन के बारे में कुछ बताइए। सर बैडमिंटन 1870 में इंडिया में पूना से स्टार्ट हुआ, जो इंग्लिश मैन द्वारा खेला जाता था। वहां से सर 1934 में BIF का गठन हुआ और भारत बैडमिंटन संघ का भी गठन 1934 में ही हुआ। आज की डेट में मोस्ट डेवलपिंग गेम है इस समय इंडिया में सर। अभी एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडिया जीत गई, फिर थॉमस कप भी इंडिया इस बार जीती है सर। हाउ कैन यू टेल मोस्ट डेवलपिंग गेम इज बैडमिंटन? सर इसका ग्रोथ रेट इस समय सबसे ज्यादा है सर। आपके पास क्रिकेट है क्या सर? इसका डाटा सर इस समय यस सर। सर क्या है कि पहले इसमें कोई मेडल बहुत कम आते थे सर, बहुत ज्यादा मेडल नहीं आते थे, लेकिन PV सिंधु, नेवाल एंड सात्विक साइराज, चिराग शेट्टी, ये सब प्लेयर हैं जो एक बैडमिंटन को एक मुकाम तक ले गए, जो 70 अगर मैं सही हूं तो सर डाटा एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, 72 ईयर बाद हमारा बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप जीता है सर, और 52 ईयर बाद एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता है सर। व्हाट इज थॉमस कप एंड व्हाट इज उबेर कप? सर थॉमस कप फॉर मैन होता है, उबेर कप फॉर फीमेल होता है सर। ओके फाइन, थैंक यू सो मच सर।